सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन नोटिफिकेशन कब आएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और इसी से रिलेटेड कल एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया था। और उस नोटिफिकेशन के बारे में हमें कुछ व्यूअर के द्वारा ये भी बोला गया कि फर्जी है और फेक है, ये ऐसे कुछ बताया गया था हमने जो लास्ट वीडियो जो केंद्रीय विद्यालय पर बनाया था। तो उसी के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं कुछ और मैं जानकारी देने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय क्लास वन एडमिशन की डेट के बारे में और KVS एडमिशन के बारे में 2021 सत्र के लिए जो एडमिशन होने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ नई जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये वाला ये नोटिफिकेशन, ये हमने आपको बताया था, इसके बारे में हमने बताया था और इसमें बताया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन इज़ गोइंग टू मेक KVS ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लाइव सून फॉर एकेडमिक ईयर 2020। यहाँ लिखा हुआ है कि KVS संगठन जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, वो केंद्रीय विद्यालय के जो एडमिशन पोर्टल है उसको लाइव करने जा रहा है 2020-21 सत्र के लिए जो एडमिशन होने हैं उसके लिए। फोर क्लास वन रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास फर्स्ट एडमिशन लिखा हुआ है, यानी कि कक्षा एक के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए लाइव वेबसाइट जो है करने जा रहा है, इस बारे में इन्होंने यहाँ बताया था। और इसके नीचे इन्होंने एक और इसमें दिया था कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन विद द नोडल ऑफिसर एंड टेक्निकल पर्सन ऑन 13/7/2020, यानी इसमें बताया गया था कि एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी नोडल ऑफिसर और टेक्निकल जो पर्सन है उनके साथ में 13/7/2020 को, यानी कि आज 2 बजे 2:30 बजे आज दिन में। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था और ये दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे फर्जी है ये। और अब आप ये एक नोटिफिकेशन ये जो देख सकते हैं इसमें ये जो न्यूज कटिंग है इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में भी 2020 सत्र से दाखिले में OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने केंद्र सरकार के दोनों शिक्षण संस्थानों में दाखिले में OBC नियमों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पहली कक्षा से आरक्षण का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में जल्द ही पहली कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन होने जा रही है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं अमर उजाला की और ये आपकी 12 तारीख की है जो अमर उजाला की न्यूज पेपर है उसमें आप देख सकते हैं। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो आप ये उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में ज़रूर देखिएगा, ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे है अमर उजाला के पेपर में। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो पहली कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन होने जा रही है, इसी के तहत पहली कक्षा में दाखिले के दौरान OBC आरक्षण के तहत दाखिले में लाभ मिलेगा और 13 जुलाई को देश के सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की ऑनलाइन बैठक भी बुलाई गई है। इसमें नए दाखिला नियमों के साथ साथ सभी को अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। इसी के साथ नवोदय स्कूलों में भी इस आरक्षण के तहत इस साल से 6ठी कक्षा से छात्रों को पूरा लाभ मिलेगा। 2017 में पहली बार इन स्कूलों में आरक्षण की मांग उठी थी, इसी के तहत 3 महीने पहले इसका खाका तैयार किया गया था। तो दोस्तों, ये एडमिशन से रिलेटेड ये आप देख सकते हैं और 13 जुलाई यानी कि आज जो बैठक हुई है इसमें से क्या कुछ इसका निकल के आता है एडमिशन के बारे में, इसके बारे में हम जो है कल वीडियो बनाएंगे और इसके जो न्यूज़ वगैरह हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगी आज, अब क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो अब इसकी न्यूज़ वगैरह भी थोड़ी देर बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी डेट के बारे में दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया था कि 13 जुलाई के बाद इसके जो नोटिफिकेशन है और जो एडमिशन की डेट है उस पर कोई ना कोई फैसला आ सकता है। तो जो भी इसमें जो नया कुछ निकल के आएगा एडमिशन की डेट के बारे में तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म कैसे आपको भरना है ऑनलाइन, जैसे ही इसका पोर्टल लॉन्च होता है हम आपको बताएंगे। पोर्टल जैसे ही लाइव होगा हम एक रजिस्ट्रेशन करके आपको बताएंगे। और अगर आप 2019 में किस तरह से एडमिशन का फॉर्म हुआ भरे गए थे, रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ था, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन और जो एडमिशन फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। लगभग इस साल भी उसी तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, केवल
इसमें जो बदलाव हुआ है कुछ गाइडलाइन में बदलाव हुआ है और कुछ आरक्षण में बदलाव हुआ है, बाकी कोई भी इसमें खास जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन और जो एडमिशन फॉर्म भरने को लेकर हमने पहले से ही बना रखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कितने केंद्रीय विद्यालय के लिए आप अपने बच्चे का नाम उसमें डाल सकते हैं या कितने फॉर्म आप कितने केंद्रीय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उन वीडियो में सारा बताया गया है। आप उस वीडियो को देखें और बताएं कि आपकी क्या, उस वीडियो को लेके आपका क्या राय है और कैसे आपको और जानकारी उसमें आपको चाहिए, किस प्रकार की जानकारी चाहिए और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड क्या जानकारी आपको चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ज़रूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, आपको उस स्टेट के बारे में केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में क्या जानकारी चाहिए, पूरी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।